और राजधानी लखनऊ के चर्चित गोमती नगर वाटर लॉकिंग में युवती से छेड़छाड़ मामले में आरोपी पवन यादव ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में पवन ने बताया कि उस पूरे प्रकरण की जानकारी एक दिन बाद मिली। लखनऊ पुलिस पर आरोप लगाते हुए उसने बताया कि पुलिस ने सरकार को भी इस मामले पर गुमराह किया है। पवन यादव का कहना है कि पुलिस ने अपनी लापरवाही छिपाने के लिए उसे गिरफ्तार किया। उस दिन की घटना काफी भयावह है। उसने आरोप लगाते हुए कहा कि वो यादव है, शायद इसलिए उसे फंसाया गया, लेकिन न्यायपालिका पर उसे पूरा भरोसा है। राजधानी लखनऊ के चर्चित गोमती नगर प्रकरण में इस तरीके से तमाम लोगों की फोटो पुलिस के द्वारा दी गई, बैड टच के मामले में आरोपी बनाया गया था, उनमें से एक हमारे साथ पवन यादव है। पवन, जिस तरीके से आपकी फोटो आई थी आपके साथी के साथ गोमती नगर का जो मामला था उसमें आपको आरोपी बनाया गया था, आप इसमें जमानत पे हैं, आज अखिलेश यादव से मिल के आए, क्या कुछ बातचीत हुई और क्या अपना पक्ष रखना चाहते हैं? बस मैं अपना पक्ष यही रखना चाहता हूँ कि मैं मुस्लिम नहीं था, मतलब मेरे को बनाया गया या जो भी ऐसा मेरे साथ कांड किया गया, मैं यादव था या इसलिए मेरा नाम आ गया। ना मैं फुटेज में था, ना मैं वीडियो में था, ना मैं उस समय था वहाँ पे, बस यही सब। आपको घटना की जानकारी किस दिन हुई? मुझे घटना की जानकारी हुई है जिस दिन मैं पकड़ा गया हूँ उसके मॉर्निंग में, जब मेरे पास एसटीएफ वाले आते हैं, मुझे फुटेज दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, तो मैंने पूछा उनसे कि ये मतलब क्या है, तो मेरे को फिर मैटर बताते हैं ये वीडियो वायरल हुई है तो इसमें से किसको किसको पहचानते हो, तो मैंने उससे साफ मना कर दिया मैं किसी को नहीं पहचानता हूँ और ना मैं उस वीडियो में था और ना मैंने उससे पहले उस वीडियो को देखा था। तो जिस तरीके से आप दो लोग की तस्वीर पुलिस के द्वारा जो है वो सोशल मीडिया पर जारी जाती है, मुख्य आरोपी बना के बताया जाता है, सदन में सीएम भी नाम लेते हैं आपका और उनमें से एक लड़के का, तो जो समाज में छवि आपकी धूमिल हुई उसके बाद जब आप जवान से छूट के आए तो किस तरीके से दोनों चीज़ों में अंतर पा रहे हैं? अंतर कि अब जो अधिकारी, जो भी पुलिस अधिकारी है, उन्होंने दिया होगा नाम आम सभी, आगे चल के मेरा नाम इतना आया, वैसे तो सरकारी कोई गलती नहीं है, नीचे ही से गलती है जिसने जिन्होंने गलत किया शुरुआत में। तो जिस तरीके से तमाम चीजें हुई अब आप खुल के बाहर अभी जा पा रहे हो तो कोई झिझक है लोगों से फेस करने में या फिर किसी का आमना सामना करने में, जब पहले जिस तरीके से बेधड़क होके करते थे, इन चीजों के बाद कहीं ना कहीं मोराल भी आपका डाउन हुआ होगा? जी जी, थोड़ा बहुत गिल्टी तो फील है, बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है किसी के सामने खड़ा होना ऐसा, क्योंकि ऐसा केस नहीं था कि जिसमें मेरा नाम होता, उसमें मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगा, वीडियो भी नहीं अच्छी लगी, प्लस उस चीज़ में फंसा दिया गया, वो सबसे बुरा लगा। अच्छा, जो घटना का जो वीडियो आपने भी देखा होगा उस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? मेरे को बहुत गंदा लगा, मतलब ऐसा लखनऊ में हो रहा है मेरे शहर में, वो चीज़ मुझे खुद नहीं पसंद लगा और मुझे मैं उसी चीज़ में फंस गया, मुझे और बहुत गिल्टी फील हो रहा। तो ये पवन यादव थे, इनका चेहरा आप देख सकते हैं, ये चेहरा पहचान का मोहताज नहीं है और कृपा दृष्टि राजधानी लखनऊ की पुलिस की है जिन्होंने इसको एक अलग पहचान दी, लेकिन इस पहचान के पीछे की कहानी खुद पवन यादव ने आपके सामने रखी है। आज अखिलेश यादव से मुलाकात करके आए हैं और मजबूती से अपना पक्ष रख रहे हैं कि उस पूरे घटना से मेरा कोई भी लेना देना नहीं था। अनादि टीवी के लिए विवेक शाही, लखनऊ।